जहांगीरपुरी हिंसा में नया खुलासा हुआ है। जी हां, हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने गोली भी चलाई थी जो कि एक एसआई को लगी है। कल हनुमान जयंती के मौके पर निकाली जा रही शोभा यात्रा पर पथराव और आगजनी की खबर आई। इस हिंसा में 8 पुलिसकर्मियों समेत करीब 9 लोग बुरी तरह घायल हुए। हिंसा के आरोप में अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं। वहीं मामले में एफआईआर दर्ज की गई है, जिसके मुताबिक शोभा यात्रा जहांगीरपुरी से सी ब्लॉक के जामा मस्जिद के पास पहुंची तो अंसार नाम का एक आदमी अपने 4-5 साथियों के साथ पहुंचा और शोभा यात्रा में शामिल होकर लोगों से बहस करने लगा, जिसके बाद पथराव हुआ और पथराव के बाद आगजनी की घटना हुई। तो कल हिंसा की खबर दिल्ली के जहांगीरपुरी से आई और दो समुदायों के बीच में मारपीट, झड़प, पथराव और आगजनी की खबर है, जो कि हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो हिंसा हुई उसके पीछे एक असर नाम का व्यक्ति पहुंचा था अपने कुछ दोस्तों के साथ, जो कि शोभा यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से निकल रही थी, उसमें बहस करने लगा और ये विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसके बाद पथराव हुआ और पथराव के बाद आगजनी की खबर है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें गोली भी चली है। अंसार समेत 9 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, गोली भी चली है और ये गोली एसआई को लगी है। ये बड़ा खुलासा हुआ है। तो दिल्ली की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कल शाम की तस्वीर है। कल हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा, देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा था। दिल्ली में भी हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा था, शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, लोग शोभा यात्रा में हिस्सा लिए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शांतिपूर्ण तरीके से शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, लेकिन शोभा यात्रा में और जुलूस में बीच में एक अंसार नाम का युवक अपने 5-7 दोस्तों के साथ पहुंचता है। इसके बाद शोभा यात्रा में शामिल लोगों से बातचीत करना शुरू कर देता है, बहस होने लगती है और बहस इतनी बढ़ जाती है कि दो पक्षों में पथराव भी होता है। पथराव के बाद आगजनी हो जाती है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हिंसा का माहौल दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुआ। और उसके बाद दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जिस जगह पर हिंसा की घटना हुई वहाँ और उसके आसपास के इलाके में पुलिस और जवानों का पहरा बढ़ा दिया गया, यहाँ तक कि कई टुकड़ियों को तैनात किया गया है जवानों की, और इसके बाद हिंसा पर काबू पाने का प्रयास किया गया था। स्पर्श शर्मा हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़े हुए हैं। स्पर्श, जिस तरीके से कल हिंसा की खबर आई और उसके बाद जो खुलासा हुआ बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा रहा, खुलासे में ये भी आया कि अंसार नाम का एक युवक अपने साथियों के साथ जुलूस में पहुंचा, बहस हुई और उसके बाद गोली भी चली है, ये भी खुलासा हुआ है। स्पर्श, देखिए बिल्कुल, ये बड़ा खुलासा दिल्ली पुलिस की जांच में निकलकर सामने आ रहा है और जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें ये सारी बातें जो है कही गई हैं, जिसमें जो अंसार नाम का शख्स है वो अपने 4-5 साथियों के साथ जो है जो शोभा यात्रा निकाली जा रही है वहां पर पहुंचता हुआ नजर आता है। उस दौरान बहसबाजी होती हुई नजर आती है और वहीं से ये पूरा घटनाक्रम जो है कहीं ना कहीं शुरू होता हुआ नजर आता है। अब अंसार नाम के जो शख्स है उसको फिलहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से जो है गिरफ्तार कर दिया गया है और इसके बारे में ये भी जानकारी प्राप्त हो रही है कि पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड जो है अंसार नाम के शख्स के जो है बताए जा रहे हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस की तरफ से अलग अलग धाराओं में जो एफआईआर है वो दर्ज कर दी गई है। अभी तक अगर बात करते हैं तो 14 आदमियों यानी जो इस पूरे मामले में एक्यूज है उनको गिरफ्तार जो है दिल्ली पुलिस की तरफ से अभी तक जो है कर दिया गया है। और एक बड़ी जानकारी दिल्ली पुलिस के हवाले से ये मिलती हुई जो है नजर आ रही है कि जो गोली चलाने का आरोप इस पूरी हिंसा के दौरान निकलकर सामने आ रहा था, यानी गोली चलाने वाले शख्स को भी जो है फिलहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। और जो पिस्टल थी जिससे गोली चलाई गई थी वो भी फिलहाल दिल्ली पुलिस ने अपने पजेशन में जो है ले ली है। इस पर शायद से ये भी जानना समझना चाहेंगे कि क्या जो और लोग अंसार के साथ पहुंचे हुए थे जुलूस में शांति भंग करने की कोशिश की, क्या वो भी पुलिस के गिरफ्त में है? और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या अब माहौल शांतिपूर्ण है, अब स्थिति काबू में है? देखिए फिलहाल पहले इलाके की अगर हम बात करते हैं तो पूरी तरीके से इलाके को दिल्ली पुलिस ने अपने जो है कब्जे में ले लिया है। ना केवल दिल्ली पुलिस, उसके साथ साथ जो अन्य फोर्सेस के जवान होते हैं जिसमें सीआरपीएफ की बात की जाए वो भी जो है इलाके में तैनाती जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। ऐसे में शांति बहाली की जो कोशिशें हैं वो लगातार इलाके में जो है की जा रही है और अभी इलाके में शांत माहौल जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ जो 14 गिरफ्तारी यहाँ पर होती हुई नजर आई है ये दिल्ली पुलिस जो है लगातार अलग अलग एंगल से जो है जांच करती हुई नजर आ रही है, चाहे सीसीटीवी या फुटेजेस संभालने की बात हो या फिर जो वीडियोज लगातार वायरल सोशल मीडिया पर
पूरे आज घटना के होते हुए नजर आ रहे हैं उनकी बात की जाए, उनके आधार पर ये जो गिरफ्तारियां हैं वो दिल्ली पुलिस की तरफ से जो है 14 की गई हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं दिल्ली में, और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से ये बड़ा खुलासा हुआ है। शांति तरीके से जुलूस निकाला जा रहा था, लेकिन बीच में अंसार और उसके कुछ साथियों ने बहस शुरू करी और इसके बाद आगजनी पथराव की स्थिति पैदा हुई और यहाँ तक कि गोली भी चलाई गई। हालांकि कई पहलुओं पर जांच पड़ताल चल रही है, वीडियोज और CCTV के माध्यम से पुलिस जानने की कोशिश कर रही है कि क्या और लोग भी इसमें शामिल हैं।